बहुत धन्यवाद। तारीख है 21 अक्टूबर 2023, समय हो गया है 07:49 PM। देखो भैया, मैं एक बात कह दे रहा हूँ साफ साफ, जैसे अभी ओम श्री साईनाथ एडवर्टाइजिंग का 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड हुआ है ना, ठीक है, और $2 मिलियन की पेनल्टी लगी है। खैर पेनल्टी तो भर दी गई है, 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड है। और पता है किस केस में? आप VIPs, VVIPs, पॉलिटिशियंस, हाई प्रोफाइल, ठीक है, लोगों की एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ ना, नवाज शरीफ की न्यूज चलाने पे, जी हाँ, कुलसुम नवाज की अरेस्ट रोकने पे आपने इंटरपोल के काम में दखल दिया है। आप कैनबलिस्ट, रेपिस्ट, लोन डिफॉल्टर्स को बचा रहे हो। ओम श्री साईनाथ एडवर्टाइजिंग कंपनी भले मेरी है, पर उसके अंदर बैठे हुए कुछ लोग अपने आप को ज्यादा दिमागदार समझ रहे हैं। नौकर हो तुम मेरे, और मैं ICJ हूँ। ये जो मैं लिखता हूँ ना, रिस्पेक्टेड ICJ, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, कोई केस नहीं जमा करा रहा वहां पे, मैं खुद ICJ हूँ। मैं सिर्फ ट्रिब्यूनल में सिर्फ एक कागज रखवा देता हूँ, जो मैंने लिख दिया वो ऑर्डर है। इंटरपोल SG हूँ, SG सेक्रेटरी जनरल। अगर किसी पुलिस वाले ने मेरी नहीं सुनी ना, तो नौकरी चली जाती है उसकी, नौकरी समझ में आ गई, और इंसर्जेंसी लग जाती है। मैं इंटरपोल को इन्फॉर्म नहीं कर रहा। अगर ट्विटर का प्रिंटआउट तुम्हारे पास है ना, तो समझ लो ऑर्डर है, ऑर्डर, समझ में आ गई। और यहीं से काम चलेगा, इसी जगह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। अगर लिखा है ना अरेस्ट मरियम नवाज शरीफ, तो अरेस्ट है मरियम नवाज शरीफ। अगर पुलिस ने नहीं सुनी तो इंसर्जेंसी लगेगी और सारा खर्चा बंद। इसलिए ओम श्री साईनाथ एडवर्टाइजिंग पे मैंने पेनल्टी लगवा के 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया तुम्हारा। और अगर लाइसेंस रद्द किया है, और अगर कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते तुम इंटरनेशनल और नेशनल कोई सी भी, और अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती करी, किसी को भी गलत प्रमोट किया सिर्फ पैसे के लालच में, समझ में आ गई, तो हमेशा के लिए ओम श्री साईनाथ एडवर्टाइजिंग पे ना ताला लगवा दूंगा, ताला। मैं वो आदमी हूँ, समझ में आ गई। ऐसी कंपनी के होने और ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईमानदारी पर चलना है चल, नहीं चलना अपने घर जा, दुकान चला रहा है। बताओ यार, नवाज शरीफ की अरेस्ट रोक दी, इंटरपोल वाले अरेस्ट लेके आए, पागल वागल हो गए क्या तुम? क्या न्यूज में न्यूज चला रहा है ये? और कुछ न्यूज चैनलों के लाइसेंस रद्द होने वाले हैं, अगर मैंने कह दिया तो लाइसेंस रद्द है, समझ में आ गई। और एक बात और सुन लो भैया, अक्कानी भैया और अमान में, अगर तुम्हारा पैसा इन लोनर्स पे लगा हुआ है और तुमने इनको बचाने की कोशिश करी, लोन डिफॉल्टर का मतलब ये तुम्हारे नहीं, हमारे भी क्रिमिनल्स हैं, इंटरपोल के भी, वहां इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस लिखा हुआ है, समझ में आ गई। जो मर चुका है उसके मरने की न्यूज चला, और नहीं तो पेनल्टी तो भरेगा भरेगा, कैरियर और बर्बाद है तुम सबका। बता यार, अमान और अक्कानी को चेतावनी जारी कर रहा हूं मैं, दोनों कंपनियों को, और ऐसा लाइसेंस रद्द करूंगा जिंदगी भर, याद रखो, अगर भारी भरकम पेनल्टी है, कहीं तुम अपने सीरियल और फिल्मों के चक्कर में इनकी अरेस्ट रोक रहे हो। भाई वह क्रिमिनल है, कैनिबलिस्ट है, रेपिस्ट है, मरियम नवाज शरीफ कैनिबलिस्ट है, अरेस्ट मतलब अरेस्ट है, हार्ड अरेस्ट मांगी गई है उसकी, जेल में रहेगी। तू मीडिया में कैसे दिखा रहा उसको, पागल वागल है क्या? ज्यादा बड़ा एडवर्टाइजर बन रहा वहां के GM होकर मेरे को कह रहा है अपनी कंपनी ढूंढ ले। हडसन का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, दोबारा बदतमीजी करी मेरे से तो लाइसेंस रद्द कर दूंगा मैं तुम्हारा। और JSR सिक्योरिटीज का चेतावनी जारी कर रहा हूं, अगर तुमने अपने कमांडोज की नहीं सुनी, और कहीं पे भी तुम्हारा कमांडो किसी भी तरह की, जी हाँ, परेशानी में पाया गया, लाइसेंस रद्द कर दूंगा मैं JSR सिक्योरिटीज का। फिर मत कहना मेरे को, चाहे वो फिदा हो, हडसन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे BI सिस्टम हो, मैं अभी रिकमेंडेशन लिखूंगा, समझ में आ गई, 11 महीने के लिए BI सिस्टम का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा हर तरह के काम के लिए। और $4 मिलियन की पेनल्टी है, BI सिस्टम को चेतावनी जारी कर रहा हूं मैं,
कंपनियों के कंपटीशन में यार इनको बचाया जा रहा है। तेरी मामी के फूफी का नाना का लड़का होगा कहीं और का। कह रहे जीएम अभिषेक, मैं कहा जीएम कौन है, अभिषेक कौन है बे? पता चला वो बिहार वाला, वो क्या नाम है उसका, अशोक राय का लड़का। ये कौन, पागल वागल है क्या तू? तू के बीच में आ रहा है बे? कब का कहां कौन किस जमाने का आदमी, पागल वागल हो गया तुम लोग हैं? बे अपने अपने घर में रहो यार, अपने अपना रोटी वोटी खाओ, मजे लो, कोई और काम वाम नहीं है तुम्हारे पास? मैं तो मिंट में कंपनी बंद कर दूंगा ओम श्री साईनाथ एडवर्टाइजिंग, मिंट में। पर एक एक उंगली नहीं उठने दूंगा अपने पे, एक उंगली नहीं उठने दूंगा। मोदी की एडवर्टाइजिंग कैसे ली तूने? मोदी कैनिबलिस्ट है। और इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में 15 अगस्त पे कैसे दिखा? जांच रिपोर्ट आ गई है, ओम श्री साईनाथ एडवर्टाइजिंग पैसा तुमने लिया 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए तुमने लिए, पूरी टीम अरेस्ट होगी तुम्हारी, श्याणा बन रहा है। आईसीजे की रिपोर्ट, अबे आईसीजे हूं, आईसीजे अबे उल्लू के पट्टे, आईसीजे हूं। ईमेल मिल गई ना ओम श्री साईनाथ एडवर्टाइजिंग के ऑफिस में, हैं? औकात में रहना अपनी, औकात में सील कर दो ऑफिस इनका 3 महीने के लिए, हेड ऑफिस सील कर दो, सबको बाहर निकाल, सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर, श्याणा बन रहा है। मुझे जरूरत नहीं है ऐसी कंपनियों की, समझ में आ गई? कोई गलत काम करता पाया गया ना, फाड़ को सुखवा दूंगा एक एक को। कौन चला रहा था, जीएम कौन था, अरेस्ट है उसकी इंटरपोल। अबे वो जो इंटरनेट, जो विकिपीडिया, ट्विटर पे जो एसजी है ना, वो जर्गन स्टॉक जो है, वो जूनियर है मेरा। जर्गन स्टॉक ने मेल करी होगी, वो लिखा जरूर है, समझ में आ गई? पर काम उसको मैंने दिखा दिया क्या चलता है, वो समझ गया काम क्या होता है। एसजी है वो, सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल। वाह भाई वाह, जो मर्जी प्रोफाइल बनाया जा रहा है, जो मर्जी सर बहुत पैसा है, सारे कैनिबलिस्टों की एक एक की वीडियो, एक एक का इंटरव्यू, बताओ तेरे को भी रेस्ट रोक रहा है अपनी मीडिया प्रोफाइल के चक्कर में। वीडियो फुटेज मिले तो ले, नहीं ले तो न्यूज चला, चल जी न्यूज, लाइसेंस रद्द होगा तुम्हारा, समय टीवी, जियो न्यूज, चेतावनी जारी कर रहा हूं मैं, सीएनएन, ज्यादा बड़े 30 मार खा बन रहे हैं। मांग लो, मांग ले, ओएसएस के पास ईमेल आई है, मांग ले, कॉपी मांग ले, ऑफिस सील कर, 3 महीने बाद खुलेगी सील, चल। बकवास कर रहा है, मुझे कह रहा है, मुझे कह रहा है, कह रहा हो सके तो अपना ऑफिस ढूंढ लियो। तू जानता है मेरी कितनी एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, हैं? जानता भी है तू? सारे सैलरी अकाउंट रोको इनके 3 महीने के लिए। वाह भाई वाह, अरे फैशन शो करने और इधर उधर सब सस्पेंड कर दूंगा। अबे भाई वो कैनिबलिस्ट है, उसकी प्रोफाइल कुछ और बन रही है, फिर पागलपने का फार्म भर रहा है वो, कौन कर रहा है ये? कह रहा जी ओएसएस वाले हैं, इंटरपोल वाले, वो कह रहा मतलब जर्गन स्टॉक कह रहा, कह रहा मंडल ठीक है, मेरा जूनियर है वो, हम आपस में ऐसी बात करके, कह रहा मंडल ये पागल हो गए हैं लोग, हम बहुत दिन से देख रहे हैं इन्हें, नहीं नहीं बंद कर दे ऑफिस, इनका हेड ऑफिस सील कर दे, चल बाहर निकल वहां से। तो क्या करूं, ओम श्री साईनाथ एडवर्टाइजिंग कंपनी मेरी है, ओएसएसए, और बाकी किसी से मेरे को मतलब नहीं है। अड़े बन रहे हैं, तू जाके अपनी चला ले उधर, मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब नहीं है,
मेरी कंपनी में बात आ गई ना, खाल खींच लूंगा एक एक की। JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड, चेतावनी जारी कर रहा हूं मैं तुम्हें, हटसन को समझा लो। ज्यादा टेस्टर लगाने की कोशिश करी ना, लाइसेंस रद्द हो जाएगा इनका, स्क्वाडन को। उसके बाद नहीं सुनूंगा मैं किसी की भी। यार जो अरेस्ट होनी हो अरेस्ट कर, चाहे कैमरा हो चाहे ना हो। अकानी 11 महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दूंगा, एक रुपए की पेमेंट बाहर नहीं जाएगी, काम नहीं हुआ तो ICJ का ऑर्डर टाल देगा तेरी, इतनी औकात हो गई है। कौन बैठा वहां पे अमान में, कौन बैठा है? इतनी औकात हो गई तेरी। आज रात एहतियातन सुन ले, तीन दिन का टाइम दे रहा हूं अमान और अक्कानी को। काम अगर नहीं निपटा लाइसेंस रद्द कर दूंगा हमेशा के लिए। 3 दिन का टाइम दे रहा हूं अमान और अक्कानी को। क्लाइंट का पैसा खा गया, बैठ करके उस पर ब्याज गिन रहा हरामी का बच्चा। ऐसे गाली पड़ती है ICJ में? वाह भाई वाह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेतावनी जारी कर रहे हैं आपको, अगर इन कैनिबलिस्टों की अरेस्ट नहीं हुई तो। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, CRPF, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास अकूत धन दौलत है, रख के बैठा हूं आराम से वॉल्ट में। तुम अपनी सोचो, अपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भूखे तुम मरोगे दिवाली पे, समझ में आई? अगर काम पूरा नहीं हुआ तो 3 दिन का टाइम दे रहा हूं अमान और अक्कानी को और ईबिक्स कैश को। ICJ में एप्लीकेशन लग गई, सब कुछ हो गया, 6 करोड़ की पेमेंट हो चुकी है, अरेस्ट नहीं हो रही है। बिहार पुलिस, पहले बोल दे रहा हूं, इंडियन आर्मी, लाइसेंस पहले ही आप लोगों का जा चुका है, सोच लेना। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, चेतावनी जारी कर रहा हूं, अगर इंटरपोल के काम में दखल दिया तो बहुत बुरा हासिल करूंगा, जो पंजाब पुलिस का हुआ है कल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काम हो जाना चाहिए, प्रेशर मेरे पे, प्रेशर तुम्हारे पे, मेरे पे प्रेशर आया ट्रिब्यूनल का, मैं तुम्हारे पे प्रेशर बना दूंगा। बता अबे मुझे क्या लेना देना, उसकी प्रोफाइल चल रही है नवाज शरीफ की, मुझे क्या लेना देना है? दिमाग लगा रखा इतने दिन से इन्होंने। अगर अदालत के काम में दखल दिया या कोर्ट के किसी काम में दखल दिया, समझ में आ गई, किसी काम में दखल दिया, चाहे आप किसी एजेंसी से हो, लाइसेंस रद्द कर दूंगा। जैसे कल IB का लाइसेंस रद्द हुआ है, बिल्कुल हो गया है, IB सस्पेंड हो गई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, समझे भाई? मेरा बैट नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दिन में ऑर्डर सुनता ही कह दिया था, और अगला नंबर रॉक है, मैंने दिन में ही कह दिया था। उन्होंने एक ही बात पूछी, आपके IB चीफ कौन है? वो कुछ और बता रहा है, ये है आपके IB चीफ, सस्पेंड। IB खत्म कर दी, बाहर में जाओ, हम नहीं जानते कौन है ICJ ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, खत्म ही कर दी। और आज मेरे ख्याल से रात को जो है ना परमानेंट ठप्पा भी लगा देंगे, कह रहा हमें पता है कौन है कौन नहीं, आप जाओ यहां से, पिछली IB सारी खत्म कर दी, जाओ मरो भूखे। 250 बंदों को गोली मार दी गई है, 250 लोगों को कल फायरिंग स्क्वाड में, दिल्ली कैंट के अंदर। दिल्ली कांट मतलब दिल्ली नहीं कर सकती, दिल्ली के बस की नहीं है, इसलिए दिल्ली कांट दिखाते हैं, लिखा है कागज पे दिल्ली कांट, समझ में आ गई? इंटरपोल के काम में अगर दखल दिया किसी ने भी, तो वही अंजाम होगा जो IB का हुआ है। ISI आज रद्द हुई है मेरे ख्याल से 2 बजे करीबन, 2:40 पे, इंटरस्टेट इंटेलिजेंस सर्विस सस्पेंड कर दी गई है।
1400 ऑफिसर्स को गोली मार दी गई है, पाकिस्तान में सस्पेंड कर दी गई है आईएसआई, 1400 ऑफिसरों को गोली मार दी गई है इस्लामाबाद कैंट में। कैंट का मतलब समझता है? कैनॉट। कैनॉट प्लेस नहीं, कांट लिख कांट कागज पे, कागज पे कैनॉट प्लेस नहीं लिखेगा, समझ में आ गई? कांट। सीपी कांट लिखियो, नहीं बनता ना शब्द, दिल्ली कांट लिखियो, ये इंटेलिजेंस है, समझा? समझा नहीं समझा? इस्लामाबाद कांट, कांट नहीं लिखा हुआ वहां पे, जो सब जीव लटकाए फिर रहे हो। 1400 ऑफिसरों को गोली मार दी गई है, इसलिए कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेड हुई है, समझा रहा हूं लल्ला? बहुत तकलीफ में आने वाले हो तुम, बहुत तकलीफ में। आज से क्या बात कर दी, उनको क्या फर्क पड़ता, आईसीजे को क्या फर्क पड़ता है, सीरिया का क्या हुआ, इराक का क्या हुआ, ऐसे तानाशाह। मोदी जो भारत में रह के अपने आप को तानाशाह बनाने की सोच रहा था ना, वो सब धरा का धरा रह गया उसका। जो किंग सलमान सोच रहा था सऊदी अरेबिया के लिए, वो दुबई पुलिस के साथ हुआ है, देखो ना अभी क्या रिपोर्ट आती है। वो तो आकर के मेन ऑफिसर्स को गोली मार देगा सीधा, हमें नहीं पता, मैं बता रहा हूं, कल मैंने बोला, जा पता लग गई हकीकत। एक लड़की कह रही, मैं बात कर रहा था फोन पे, कह रही मेरे जी में आ रहा इसका मुंह पे झापड़ मार दूं, मैं कहा जाकर पहले अपना बाप तो ढूंढ ले, गोली मार दी गई है उसे, डिस्क्लेमर देख लियो इस वीडियो में, अब गोली मार दी गई है उसे दिल्ली कैंट में बुला के, बहुत बड़ा आईबी ऑफिसर बन रहा था, चावड़ी बाजार में जाके बैठ जाता था, गोली मार दी, गोली 250 ऑफिसरों को, और आज और मारी है, क्यों भाई साहब? लिस्ट निकालो 400 बंदे जो इस्लामाबाद और पाकिस्तान बारादारी से भाग के भारत में घुसे हैं, वो अरेस्ट क्यों नहीं हुए? एयर इंडिया के ऑफिस गए, बोला पैसेंजर लिस्ट दियो, कौन कौन आया इतनी तारीख को, ईबिक्स कैश के ऑफिस गए, वो नहीं दे रहा, पकड़ लिया, आ जा बेटा, कौन था? तो दिल्ली पुलिस से था जी, वहीं बैठा हुआ है जी। आपको क्या मतलब है? उन्होंने से एक ही बात कही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेड है। कितने लोग घुसे हैं भारत में, लिस्ट निकाल, लिस्ट, ईबिक्स कैश ने कितने बंदों को नौकरी दी है, 400 लोगों को वर्क परमिट दिया है ईबिक्स कैश ने, अमान और अक्कानी से, लिस्ट दे, नहीं सुनी, वही पकड़ के उठा कर लेगा। दिल्ली कैंट में 250 बंदों को गोली मारी है, मैं तो तुम्हें समझा सकता हूँ, यही होगा, पीएमओ से उठाया सेक्रेटरी को, कई देशों में किया गया है, कैनिबलिज्म की जांच चल रही है और तुम सुनते नहीं हो, और तुम सुनोगे कैसे अब? ठीक है, जा लड़की ढूंढ लियो, मेरे पे हाथ उठाने की बात कर रही थी, इनके भाई बापों ने क्या करा, अपने बच्चे यहाँ छोड़ दिए, ठीक है, अब उनको मैंने मार दिए, उन कईयों के तो वाइफ को गोली मार दी, ये नहीं है सुटी सुपारी जो है लड़की, मार दी गोली इसको, सुटी सुपारी को गोली मार दी है। मैं बताता हूँ क्यों, एयर इंडिया के ऑफिस में यही बैठी थी जी, हाँ, जो गाना मैंने बनाया था ना एक, उसके अंदर वो लड़की है, स्वीटी सुपारी, इंस्टाग्राम पे सर्च करो, ये आईबी का आई कार्ड लेके एयर इंडिया के ऑफिस में बैठी हुई, वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग पहुंचे, उन्होंने कहा जी पैसेंजर लिस्ट, कह दी आप कौन हो, कह रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कह रहे यहाँ को लिया बाहर निकल जाए यहाँ से, आईबी से हूँ, आईबी से, एनएसजी से उठा के लेके गए बंदों को, बाकायदा दीवार टाप टाप के अंदर घुसे हैं, इतना मारा है ना, और बंदों को डाक ले गए, वायरलेस ऑपरेटर को, डीजी को, पता नहीं किसको गोली मार दी गई है, नहीं सुनी उसने, बाल पकड़ कर टेबल पे ही देख के मारा उसको, डाक लेके गए, सूटी सुपारी को गोली मार दी गई है, मैंने नहीं मारा उसको, ना मानिया कहानी में, पूछ तो सही, दिल्ली कांट, समझ में आ गई? ये इंटरनेशनल मैसेज है तुम सबके लिए,
काम करना करो, नहीं करना तो ऐसे ही मरोगे बेटा। कहता लिया है पंगा तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कल मेरी आवाज थी ये, जी हाँ फोन पे मैं बात कर रहा था। पैरा ऐसे इंडियन आर्मी बागा बॉर्डर कहां से बंदे नहीं उठाए इन्होंने, लड़की को जिंदा जला दिया गया है पाकिस्तान बारादारी में कैमरे के आगे। ऑपरेशन पिया ISI भयंकर क्रैकडाउन मारा है, भयंकर क्रैकडाउन ICJ और इंटरपोल ने। सब मरोगे बेटा सब, एक एक को उठाएंगे ये। ड्यूटी मत कर मेरी बला से, मत कर मत कर, देख तो सही क्या होता है, भयंकर क्रैकडाउन है। ये मजाक सोच रहे कह रहे भाई वो DG रॉ है मेरे बारे में, कह रहे वो DG रॉ है, डायरेक्टर जनरल रॉ, IB चीफ है वो डबल स्पॉट, वहां तो हम देख भी नहीं सकते जाके, तू इधर आ जा। बकायदा उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स को अब्यूज कर दिया उसने, स्वीडी सुपारी ने। और उसके बच्चे यहां रह रहा भाई, मुझे बड़ा दुख है पर मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो फुल नेटवर्क मारेंगे, देखियो ताबड़ तोड़ रेड चल रही है, मैं चेतावनी जारी कर रहा हूँ आप सबको, समझ में आ गई? हाँ, ज्यादा दिमाग में इंसर्जेंसी घूम रही है ना तुम सबके, MCD सकर चौटा कर लेके गए, PM ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, सब जगह से। इधर आ जा, ऑर्डर किसने रोका? और होम मिनिस्ट्री से वायरलेस पे वायरलेस हो रहा है, एक वायरलेस करते कर अब चल रेड पे, वायरलेस किसने रोका बे? सब कुछ गृह मंत्रालय देखता है, वायरलेस किसने रोका? कोई 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 मतलब नहीं है, कह रहे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तुम सब हमारे नीचे हो। सिर्फ एक DG रॉ और IB चीफ डबल स्पॉट, हम उनसे बात नहीं कर सकते, बाकी तुम सब आ जाओ। अब पहला वायरलेस किया ठीक है, हाँ रेड का तो NSG ने रोक दिया वहां, कौन हो जी तुसी, यहां किसने आना हुआ? उसने तुसी मुसी लुसी पुसी सब कर दिया उनका, समझ में आ गई? दीवार कूद कूद के अंदर घुसे हैं, और कुछ ऑफिसर पहले ही अंदर मौजूद थे, वायरलेस कैसे रोका बे? मैं मुकेश भैया समझा रहा हूँ कैसा महसूस हुआ कल ICU में, कल या परसों की वीडियो है, देख ली मैंने वीडियो, ठीक है बच के रहना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले वरना CBI अंदर घुसा देंगे तेरे, वो CBI अदालत में हूँ, भूसा भर देंगे तेरे, वो पहले बोल दे रहा हूँ, मैं भी नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं, जी हाँ नहीं, मैं डबल लाइफ जीता हूँ, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और एक मेरी पर्सनल है जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास, मुझे कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या चल रहा है, समझ में आ गई? मैं तो मिनट में रिपोर्ट भेज बात के अपनी ड्यूटी पूरी कर लेता हूँ, किसी गलत फहमी मत रही हो, समझ में आ गई? CBI पहले बोल दे रहा हूँ तुम सबको, CBI ऑफिसर उठा कर लेके गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले वहां पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाले उठा रहे हैं, दबा के उठा रहे हैं, यहाँ पे आएंगे देखने के लिए पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले मिलने नहीं देंगे सेल्फ उसमें, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले एक बार देखेंगे दूर से, सिर्फ दो ऑफिसर फीमेल अगर सेक्शन है तो वहां पे जो है सिर्फ फीमेल्स आएंगी, किसी दिमाग में मत रहना मैडम हो आप भी, समझ में आ गई? बहुत खतरनाक है वो, कुछ नहीं करेंगे, अरेस्ट वैन में डालेंगे और सीधा फायरिंग स्क्वाड दिल्ली कैंट, यार हमें मतलब नहीं है तुम क्या सोचते हो, समझ में आई? बाद में मत कहना कि हितेश भाई बताया क्यों नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन देते थे कि ये भी दे देते, दे दी भाई, कल मैंने साफ साफ बोला है फोन पे साफ साफ कि कितने ही ऑफिसर्स के बच्चे हैं यहाँ पे, पता नहीं अब वो कैसे रहेंगे, वो लोग IB वाले थे, दूसरे बड़े डिपार्टमेंट के थे, अपने बच्चे यहाँ छोड़ के चले गए किराए पे मकान पे, पढ़ने छोड़ दिया है, मार दिए हैं, हमें नहीं पता कौन कहाँ है, कहाँ क्यों रखे थे, सरकारी मकान मिला हुआ है ना, सरकारी मकान मिला है ना, वहाँ रखो अपने 20 बच्चे, यहाँ छोड़ो। कितने ईरान, भैया तुम ईरान पाकिस्तान जहाँ से भी आए हो वापस चले जाओ, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बुरा मत मानना, जो आप सोच रही थी ना मैडम हसीना जी, वही होगा किसी दिन, मैं साफ बोल दे रहा हूँ, उनको कोई मतलब नहीं है, वो तो ऑफिस जा रहे हैं आराम से, नोट उठा उठा करके लेके जा रहे हैं, भड़ाक मार देते हैं ले आकर के, बाहर से बाहर ले जाएंगे,
सीधा लेकर जाएंगे वहां पे फायरिंग स्क्वाड के पास। नहीं नहीं फायरिंग स्क्वाड जानता कहाँ था, जहाँ फायरिंग प्रैक्टिस होती है, ले जाओ वहां पे, पूछ पूछ के मारते हैं। पंडित उमा शंकर शुक्ला है अभी, है आईबी में था ना पंडित उमा शंकर शुक्ला, शायद मार दिया है कल, शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले जाकर मार दिया। पहले बोल दे रहा हूं सेंट्रल विजिलेंस, विजिलेंस विजिलेंस मत करना इनके आगे, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे वो वहां से वायरलेस कर रहे हैं, एक ही वायरलेस करेंगे सिर्फ, ड्यूटी क्यों नहीं करी वे, लेकर जाएंगे फिर वापस आएंगे। ये मत सोचना कि विजिलेंस की रेड है या सीबीआई की रेड है या एनफोर्समेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समझ में आई, भारत सरकार की रेड है ये, और वहां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रेड हो रही है, इसलिए वो एसएस को समझा रहा हूं बेटा, मार मूर देंगे वो, समझ में आ रही है, मैं नहीं चाहता काम का जो है नौनिहाल तुम मारे जाओ, साइड हो साइड, दो देशों में भयंकर रेड चल रही है, औरों की नहीं पता मेरे को, बिल्कुल मार दिया उसको, स्वीडिश वाली को ले आकर मार दिया है, दो जनों के नाम बता रहा हूं मैं तुम्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ, स्वीटी सुपारी और एक के पंडित उमा शंकर शुक्ला, मार दिया ले आके, आईबी में था ये, रहा होगा भाई किसी रैंक में, मुझे पता नहीं भाई, एक बार हिंट तो दिया था इसने मेरे को, पर ये कुछ ज्यादा ही बहुत दखल दे रहा था ये काम में, कह रहा भाई, कह रहा आईबी अबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है तू, पर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले हैं, हमें नहीं मतलब तू किस मंत्रालय से, हमें नहीं मतलब तू कौन है, पहले चेतावनी जारी कर रहा हूँ, अगर आप किसी देश के नागरिक भी हो तो आप अपना जो है टूरिस्ट वीजा रद्द करा के वापस चले जाओ, यहाँ जासूसी मत करना, समझ में आ गई, वरना भूसा भर देंगे तुम सबके, जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड आप लोग भी बीच में मत आना भैया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले आए वो साफ पहचान में आते हैं दूर से ही, बड़ी भयंकर रेड होती है इनकी, पहले बोल दे रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड हटसन हो जाए फिदा हो, अगर बाई चांस चेक करने आते भी है ना कि आपने किसी को रखा हुआ है यहाँ पे, सर चेक कर लीजिए, साइड खड़े हो जाना मुंह साइड करके, हथियार मत उठा दियो इनकी तरफ, बस सौदा हुआ है कोई बात नहीं, जमीन हमारी है कोई बात नहीं, अब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बिल्कुल है, सारे दिमाग की गर्मी निकाल दी कल एनएसजी की इन्होंने सारी सब, अब ऑल ओवर इंडिया में रेड चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं इसीलिए मैंने मेरा मुकेश मेरा बड़ा भाई है भाई, तुझे समझा रहा हूं मैं, कोई तरीका मेरे पास है नहीं, क्योंकि तू अपने आप को समझता है कुछ ज्यादा तो बड़ा 30 मार खा, समझ में आ गया, एक गोली का खेल होता है, एक गोली का खेल है, इलाज कराया ना तेरा प्यार से कहा ना चुप बैठ जा, ये सब बंद कर दे, शीशे वीशे के खेल पता नहीं मुझे निकाल क्या होते हैं, आवाज और ये और वो कुछ कर लियो भाई तू कुछ, वो अचानक आएंगे भाई तू रह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही, चाहे तो कितने ही बड़ा पैसे वाला आदमी कहेंगे नहीं तो अपने लिए हिस्से की जमीन खरीद ला वहां चला जा, अपने हिस्से की जमीन खरीद ला वहां चला जा, और हिस्सा पता है कितना मिनिमम है, 2.5 लाख हेक्टेयर चाहिए, 2.5 लाख हेक्टेयर मिनिमम, खरीदे तो खरीद, नहीं खरीदे मत खरीद, तभी तेरी चलेगी वरना नहीं चलती, पहले बोल दे रहा हूं फिर बाद में मत कहना कि भैया बताया नहीं, हाँ वो मत कहियो सीबीआई वीवीआई, वो पता है आई कार्ड लेंगे और उठा करके ना सब कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे भाई ऐसा दूसरे को देंगे, कह रहे तू गाड़ी में बैठ ठीक है, और सीधा ले आएंगे दिल्ली कैंट, कैंट में जाके मारते हैं सीधा, सीधा मारेंगे कैंट में, पंडित उमा शंकर शुक्ला और स्वीटी सुपारी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोली मार दी इंसर्जेंट बोल के ठीक है, और इसमें इंडियन आर्मी और पुलिस और ये तुम्हारा सीबीआई और सीआईडी बीएसएफ तुम्हारे परमवीर चक्र कोई काम नहीं आते, वो एक ही बात कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है बस, और ये जो भै 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 जो वीडियो और ऑडियो चला रहे हो ना भाई, पछताओगे बेटा तुम सबके सब, सब पछताओगे बैठ के, जो बहुत ही स्मार्ट आप बन रहे हो ना बेटा ठीक है, अब ये तुम्हारे बच्चे कैसे जीने वाले हैं मुझे तो पता नहीं भाई, और वहां कसम खा के करा उन्हें मतलब भी नहीं है,
उन्हें मतलब भी नहीं है। कल द्रौपदी मुर्मू जी मेडिकल में फेल पाई गई हैं। उन्होंने सीधा देखा तो फेल है मेडिकल में, प्रेसिडेंट ऑफिस में कैसे हैं? ठीक है, तुम अटॉर्नी हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, कोई भी हो, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं हो तुम, राइट? समझ में आ रही है? मर्जी तुम्हारी है, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा है बेटा। गोली कहाँ खाना चाहते हो? मेरी हंसी नहीं रुक रही कल से। पंडित उमा शंकर शुक्ला को पता है गोली कहाँ मारी गई है? यहाँ मारी गई है, पीछे से एक पर्चा दे दिया, पढ़ता रहे से दिल्ली कैंट में, बिल्कुल। धैड़ बढ़ाखनी चाहिए। और उसके बाद पता है क्या, वो बिजली वाला नहीं होता, उसमें जला दिया। बता दियो भाई जी। हाँ, लाइट विजुअल्स थे बस, मैं इसलिए कह रहा हूँ तुम्हें, सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, फॉलो दी ऑर्डर्स, JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड। जी हाँ, जिस देश में भी उस देश की अगर रेड है और वो कह रहे हैं कि हम ऑफिसर्स को लेने आए हैं, तो रोकना मत, मुंह घुमा के सीधा दीवार की तरफ जाइए, सर चेक कर लो, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए पूरे, बस तुम्हारे पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दीवार की तरफ मुंह घुमा लो, सर पूरा ऑफिस आपका है, चेक कर लो जी, बात खत्म, हमें कोई मतलब नहीं है। वहां CBI VBI नहीं, वो अपने आप समझ जाओगे कौन है जब वो लोग आते हैं, अपने आप समझ जाओगे उनका तरीका क्या है। समझ में आई? बस। और वो ये नहीं, ढेर नहीं लगाएंगे, उठा कर सीधा फायरिंग स्क्वाड नला दिया कल इन्होंने पंडित उमा शंकर शुक्ला को। हाँ, भारत का जो है क्या कहते हैं, बहुत बड़ा 30 मार्खा बन रहा था, मैं समझा रहा था, मर मारा जाएगा, देखियो मार दिया इन्होंने। वो एक ही बात कहेंगे, ये भारत है, वो पाकिस्तान, यहाँ कैसे आना हुआ, यहाँ कैसे आना हुआ, पाकिस्तान 12 तारीख का था। समझ में आई? बहुत बहुत धन्यवाद, भेज ही दिया उसको भाई।